तो आज हम लोग घूमने चलेंगे लोहिया फील्ड। और अभी सुबह का लगभग बजा हुआ है 6, और यहाँ पर आप देखेंगे सभी लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए होंगे। बाकी आप सामने देख सकते हैं ये बालू की गाड़ियाँ जा रही हैं, मतलब यहाँ पे सुबह के टाइम पे, यहाँ पर अगर किसी को बालू चाहिए हो ना तो ये इस रोड पे आके आ जाए तो यहाँ पे आपको गाड़ियाँ लगी हुई मिल जाएंगी। ये देखें, ये 400-500 के आसपास एक गाड़ी की कीमत होती है ना। तो ये अभी हम लोग यहाँ पर हैं, ये है हॉस्पिटल की मंडी, मतलब ये समझ लो कि यहाँ पर हर 2 कदम पर एक आपको नया हॉस्पिटल मिल जाएगा, है ना। अब मेरे बिल्कुल अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे अभी तो बालू की गाड़ियाँ, अब हमारे जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर डॉक्टर सक्सेना, हाँ, कान रोग विशेषज्ञ, यहाँ और यहाँ पर बैठते हैं GS वर्मा, ये बिल्कुल यही वाली जगह पर। और अगर हम चलें आगे फील्ड में, तो अब पूरी फील्ड भी इतनी अच्छी फील्ड थी, ये है हमारा दिल्ली पब्लिक स्कूल, है ना। और ये लोहिया है हमारा इस साइड में। यहाँ पर बात करें तो यहाँ नए नए हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप एरिया हो गया है। अब फरुखाबाद की बात करें, आवास विकास, यहाँ पर बहुत विषय अच्छी बिल्डिंग से मिलती हैं। तो उसी क्रम में क्या हुआ, यहाँ पर दाकिया हॉस्पिटल है, ठीक है, अगर लेफ्ट में जाएँ तो। अब हम लोग पहुँच गए हैं लोहिया फील्ड। तो लोहिया फील्ड पहले फील्ड थी, अब ये पूरी तरह से इसमें प्लॉटिंग हो चुकी है और मतलब पूरी जगह कवर हो चुकी है। मुझे याद है आज से लगभग अगर हम बात करें 3 से 4 साल पहले, तो ये बहुत अच्छी फील्ड थी, मतलब यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग नहीं थी और बहुत बड़ी एरिया थी। यहाँ पर आपको हमेशा बच्चे क्रिकेट खेलते मिल जाएंगे, लेकिन अब आप देख सकते हैं ये कंक्रीट का पूरा जंगल बन चुका है। साथ ज़्यादातर तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स ही हैं, ये सारे ये हॉस्पिटल्स ही हैं। और ये अल्ट्रोज खड़ी हुई है, टाटा अल्ट्रोज, बहुत लुक गजब है, यही हमारी गाड़ी है। ओके, तो आप ये देख सकते हैं नज़ारा कुछ इस तरह का है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा देख के लगता है कि हाँ पहले यहाँ पर आते थे, अब वो सब पूरी तरह से हो चुका है। यहाँ पर लोग सुबह दोपहर में आते हैं ज़्यादा गाड़ी सीखने, लेकिन ये सुबह चला रहे हैं पता नहीं क्यों, क्योंकि दोपहर में 1-2 बजे के बाद में यहाँ मतलब 12-1 बजे धूप होती है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है, पूरी रोड खाली होती है। तो गाड़ी गाड़ी सीखने के लिए वही सबसे अच्छा टाइम होता है, मॉर्निंग टाइम पर तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग टहल रहे होते हैं और सीखने का मतलब ये है कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंस तो होते नहीं है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए, जब पहले यहाँ पे कोई ये रोड भी नहीं थी, तो पहले रोड बना दी गई, फिर पूरी प्लॉटिंग कर दी गई। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे, मतलब कहें कि जो भी, ये भी हॉस्पिटल आप सामने देख रहे हैं, ये भी हॉस्पिटल है, मतलब ये पूरी जगह कवर हो चुकी है और जो भी यहाँ पे कॉलोनी बन गई है, तो यही है सब आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये मर्सिडीज खड़ी हुई है, बहुत पुरानी गाड़ी एक, जहाँ तक आजकल हमारे फरुखाबाद के लड़के जो घूमने जाते हैं फील्ड, वो इसी गाड़ी के सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचाते हैं, फिर अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लगाते हैं, है ना। तो सामने जो आपको बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये लोहिया का आवास एरिया है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आ रहा होगा। पसंद आने का क्या है कि हाँ आपको मतलब थोड़ी यादें ताज़ा हो रही होंगी, जो लोग यहाँ पर नहीं हैं, पहले फरुखाबाद में रहते थे, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही करते रहो, हम लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और हाँ, ये है कि वीडियो जो व्यूज होते हैं उस हिसाब से लाइक थोड़ी कम है, तो थोड़ा लाइक और करते चला करें, और साथ ही अगर हो सके, अगर हाँ लगे कि हाँ कुछ वीडियो आपके लिए बेहतर हो रहा है, मतलब कुछ अच्छा लगा वीडियो, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। इससे हमें क्या होता है, ऐसा लगता है कि हाँ वीडियो बनाया है, चलो उस पर लोगों का रिस्पॉन्स आया है ना। और इसमें जो भी कमी हो ज़रूर बताओ कि हाँ इसमें क्या कमी है, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, जिससे जो अगला वीडियो आएगा वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करते चलो। और मैं क्रम से वीडियो ला रहा हूँ, है ना, इसके जो पार्ट 2 आएगा ना, उसमें क्या करेंगे, हम आवास विकास के थोड़े 1-2 शॉर्टकट का यूज करेंगे, और इससे पहले का एक पार्ट बन रह गया है, जो पिछला वीडियो था कादरी गेट का, कादरी गेट से लाल गेट वाला, वो भी अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं भी बहुत जल्द, और हमारे जो साथी सपोर्ट कर रहे हैं, करते रहें, वीडियो को शेयर कर दें फेसबुक पर, हो सके तो फेसबुक पर करें। हाँ, अगर फरुखाबाद के किसी के पास पहुंच रहा है तो भाई बिना शेयर करे तो छोड़ना ही नहीं है, बाहर वाले समझें, बाहर वाले लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि मैं ये क्या वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने लोग इसे लाइक और शेयर करते चलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।